वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनम। दोस्तों, सिनेमा मरते दम तक नाम का एक नया डॉक्यूमेंट्री देखा मैंने अमेजॉन प्राइम पर। इट्स अ वेल मेड डॉक्यूमेंट्री दोस्तों। ये चार फिल्म मेकर्स के बारे में है। ये चार फिल्म मेकर्स है, दिलीप गुलाटी, किशन शाह, जे नीलम एंड विनोद तलवार। अब ये फिल्म मेकर्स जाने जाते थे बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म बनाने के लिए उनके टाइम पे। अब दोस्तों, बी ग्रेड सी ग्रेड इसलिए क्योंकि उनको बजट नहीं हुआ करता था। अब अगर उनको संजय लीला भंसाली साहब का जो बजट है, जो संजय लीला भंसाली को मिलता है जिस तरह का बड़ा बजट, वो अगर इनको दिया जाता तो इनके फिल्म में भी वो एस्थेटिक वैल्यू हाई होता था, अच्छा लगने लगता था इनका फिल्म। बट बिकॉज उनको बजट नहीं था, टाइम नहीं था, ज्यादा शूट जल्दी शूट करके खत्म करना था, तो वो छोटे बजट में उन लोग छोटी छोटी फिल्में बनाता था जिसका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा उनको मिलता था यार। यू नो, अननोन एक्ट्रेस को लेके बनाता था, एंड ऑफकोर्स उसमें बोल्डनेस था, सेक्स था, किसिंग सीन्स था, छोटे छोटे कपड़े थे, एंड इट यूज टू केटर टू द मास ऑडियंस जो वैसे फिल्म्स पसंद करता है। अब ऑब्वियसली ये फिल्म्स वो टाइम पे बनाते थे और उसके बाद यू नो फेड आउट हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। अब उनको वापस लाइमलाइट में लेकर आता है ये डॉक्यूमेंट्री जिसमें उनके फिल्म्स के बारे में बात किया जाता है, उनके करियर के बारे में बात किया जाता है, उनके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात किया जाता है। बट ऑफकोर्स वॉट मेक्स दिस डॉक्यूमेंट्री डिफरेंट इज द फैक्ट दैट ये चार फिल्म मेकर्स को एक और मौका मिलता है फिल्म्स डायरेक्ट करने का उनके स्टाइल में। तो वो लोग अपना अपना फिल्म्स कैसे डायरेक्ट करते हैं, कैसे उसका स्क्रिप्टिंग करते हैं, म्यूजिक वगैरह, एंड देन लोकेशन स्काउटिंग कैसे करते हैं, रेकी जिसको बोलते हैं, एंड देन ऑफकोर्स कॉस्ट्यूम्स कैसे चुनते हैं, एंड देन ऑडिशंस कैसे करते हैं, कास्टिंग कैसे होता है यार, दैट वॉज वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली डन यार। मतलब लड़की लोग आते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, भाई ये सीन है, ये रोल का रिक्वायरमेंट है, कपड़े इतना छोटा होगा, आप कंफर्टेबल है कि नहीं, अभी आप बता दो आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, आपको इसमें मतलब ऑडिशन देना पड़ेगा, एंड देन सेलेक्ट हुआ तो इसमें रोल करना पड़ेगा, एंड देन उनको एक्ट आउट करके वो एक्ट आउट करके दिखाते थे डायरेक्टर के सामने। और एक्टिंग भी एक दो लड़कियों ने बहुत अच्छा किया, यू नो काफी नेचुरल और एफर्टलेस लगे, तो ताली भी बजाया डायरेक्टर ने वो टाइम पे। एंड देन ऑफ कोर्स द शूटिंग यूज्ड टू हैपन, यू नो सॉन्ग्स वगैरह वगैरह वगैरह। एंड जो नाम इन्होंने रखा इनके ये फिल्म्स का, वो नाम भी यार वैसे वाला, जंगल गर्ल, शांति बसेरा, ब्लड सकर्स, क्या सौतन बनी चुड़ैल, समथिंग लाइक दैट यार। तो नाम भी वैसे पहले वाला ही नाम था, जो वो थोड़ा मतलब टैकी लगे, बिगरेट लगे, सीग्रेट लगे, तो वैसा वाला ही नाम था। बट इंटरेस्टिंग यार, कैसे इनका लाइफ था, क्या क्या फिल्म्स कैसे बनाते थे, और कैसे इन्होंने ये फिल्म को कैसे स्क्रिप्ट किया, कास्टिंग किया, यू नो कैसे शूट किया, वो सब यार, दैट वॉज वेरी नाइसली वॉच, वेरी वेल पुट टुगेदर, सो मेड फॉर अ नाइस गुड वॉच। 3 to 3.5 स्टार्स दोस्तों। अगर आपने देखा सिनेमा मरते दम तक तो मुझे लिखकर बताना आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसे लगा। ऑफ कोर्स लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी है, वो भी आप दे सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, किशन शाह जो है वो कांति शाह के ब्रदर है, कांति शाह द कल्ट डायरेक्टर गुंडा। श्योर अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव सीन इट। एनीवेज, लेट मी नो योर टेक अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री, एंड फॉर द मोमेंट टाटा।